गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है सभी को? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कंपास सर्वे की हमारी आज तीसरी क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास का एक भाग नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लिफ्टिंग पिन। तो लिफ्टिंग पिन हमारी प्रिज्मेटिक कंपास में होती है, इसका क्या यूज़ है? हम जानते हैं कि लिफ्टिंग पिन हमारा क्या काम करती है, जो हमारी मैग्नेटिक निडिल होती है उसको जब हम कंपास यूज़ नहीं करते उसे ऊपर उठाने का काम करती है। ऑब्जेक्ट मैन होती है, स्प्रिंग ब्रेक भी होता है। स्प्रिंग ब्रेक क्या काम करता है? जब हम स्टार्टिंग में जब प्रिज्मेटिक कंपास का जब हम टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारी जो मैग्नेटिक जो ग्रेजुएट सर्किल है वो कपकपाता रहता है, उसको रोकने के लिए उसको जल्दी से अपने स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रिंग ब्रेक का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राइडर की, तो देखें राइडर क्या होता है उसके बारे में आप समझ भी लीजिए, देख लीजिए। राइडर के बारे में अगर हम बात करें तो राइडर क्या है उसके बारे में देखें ज़रा। देखें आपको मैंने बताया था एक टर्म हमारा डिप। डिप क्या होता है? हमारा वर्टिकल एंगल होता है हमारा किसी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमारा वर्टिकल प्लेन में। जब कोई हमारी मैग्नेटिक निडिल की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक निडिल हमारी कुछ इस तरीके से है। सपोज कीजिए हमारी मैग्नेटिक निडिल है, इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये हमारी मैग्नेटिक निडिल इस तरीके से ना होकर ये क्या करे, कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाती है, ये इस तरह से टिल्ट हो जाती है, तो ये हमारा एंगल क्या होता है, यही एंगल हमारा क्या कहलाता है? डिप कहलाता है। तो अब हम क्या करें, इस हम ये चाहते हैं ये जो हमारी मैग्नेटिक निडिल है जो टिल्ट हो गई है, झुक गई है, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक निडिल पर हम क्या करेंगे, जो हमारी अनबैलेंस हो गई है, तो ये जो हमारी इस तरीके से हो गई है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा काउंटर वेट, यानी हम राइडर को क्या कहते हैं, काउंटर वेट भी कहते हैं। तो एक काउंटर वेट हम लगा देंगे और वो काउंटर वेट क्या काम करेगा, सपोज कीजिए हमने काउंटर वेट यहाँ पर लगाया और ये क्या काम करेगा, इस निडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगा और इसको पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल करवाने का काम करता है। तो ये होता है हमारा राइडर, ठीक है। तो राइडर हमारा क्या है, ये राइडर हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में राइडर नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो ग्रेजुएटेड सर्किल है तो ग्रेजुएट सर्किल से हमारी मैग्नेटिक निडल जुड़ी हुई रहती है, तो इसमें हमें राइडर देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें आज काफी देखें जरा। हाँ ऑप्शन डी सही है। चलिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं और बाकी सभी को इन्फॉर्म कर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जरा। क्वेश्चन दिया गया हमें द बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एंड बी सी आर 140 डिग्री एंड 30 मिनट एंड 68 डिग्री एंड 30 मिनट द इंक्लूड एंगल बिटवीन ए बी सी। जरा क्वेश्चन जरा जल्दी से सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन सॉल्व करें इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए क्या आंसर आया इसका।
ऑप्शन ए, चलो देखते हैं करके। प्रदीप माथुर आपका आंसर ए है, चलो देखते हैं इसे सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखें, हमसे बोला गया है कि हमारा जो ए बी सी की फॉरबियरिंग है वो हमारी कितनी है। देखें इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी कोई एक लाइन आप ले लीजिए, यहाँ पर कोई एक पॉइंट माना हमारा, ये कोई स्टेशन है ए, यहाँ से 146 डिग्री का एंगल है हमारा फॉरबियरिंग ऑफ ए बी, 146 डिग्री और 30 मिनट ये हमारा एंगल है, ठीक है। जबकि अगर हम जब हम पहुंच जाते हैं स्टेशन बी पर, तो इसकी जो बी सी लाइन की हमारी फॉरबियरिंग है वो हमारी कितनी है, वो है 68 डिग्री। कितना ये एंगल हमारा, 68 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसका एंगल फाइंड करने की, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जब ये हमारी 146 है तो आप इसकी बैक बियरिंग फाइंड कीजिए, तो बैक बियरिंग फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें हम 180 इसमें प्लस कर देंगे, तो 146 डिग्री और 30 मिनट, यानी हम क्या करेंगे 146 डिग्री और 30 मिनट में आप 180 प्लस कर देंगे, तो आपको कितना देखने को मिलेगा, जरा कैलकुलेट करें। 180 हम प्लस कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 326 डिग्री एंड 30 मिनट। कितना देखने को मिला, ये हमारी जो लाइन है वो 326 डिग्री और 30 मिनट हमें देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप इतना एंगल फाइंड कीजिए, देखें जरा मैं अलग कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर, आप इतना एंगल फाइंड कीजिए ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 68 डिग्री और 30 मिनट आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये बाहर वाला एंगल हमारा कितना बचेगा, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जब हम इसमें 68 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे, तो इसमें आप जब माइनस करेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, ये हमें मिलेगा 258 डिग्री। जब आप इसमें माइनस करके देखें तो कितना बचेगा, ये हमारा 258 डिग्री बचेगा। अब 258 अब हम जानते हैं टोटल हमारा कितना होता है 360 डिग्री का, यानी अगर हम टोटल एंगल की बात करें टोटल 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री में से आप माइनस कर देंगे 258 डिग्री, तो आपको कितना आंसर देखने को मिलेगा, 102 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से, अगला देखें क्वेश्चन, बोला गया है कि द लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन्स फ्रॉम, जो हमारी लाइन होती है, द लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा चुंबकीय बल क्षेत्र है उसमें जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमारी कहाँ से कहाँ रन करती हैं। तो हम जानते हैं हमेशा कि जो हमारा चुंबक होता है, देखें जरा इसको इस तरीके से आप देखें, जो हमारा मैग्नेट होता है वो मैग्नेट, अगर सपोज कीजिए हमारा कोई चुंबक है और ये उसका नॉर्थ एंड है, ये इसका साउथ एंड है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी इज राइट, ठीक है, बी हमारा कैसा होगा इसमें करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखें, यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारियाँ भी लेनी है। आगे हमें बोला गया है कि क्लोजिंग एरर इन ए क्लोज ट्रेवर्स इज एडजस्ट बाई, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम जो क्लोजिंग एरर की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग एरर क्या होती है। तो देखें जब हम कंपास सर्वे करते हैं और जब कंपास सर्वे करने के बाद हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ से हम एंगुलर मेजरमेंट और हमारे लीनियर मेजरमेंट लेके आते हैं, फिर हम लैब में आकर उसकी प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग करते टाइम हमने क्या किया, जब उसकी प्लॉटिंग करके देखी तो हमें बाद में पता चला कि हमारा जो एंड ए था और लास्ट एंड था वो हमारे एक दूसरे से नहीं मिल पाए, कुछ इतनी डिस्टेंस हमारे यहाँ पर बच गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एरर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम क्लोजिंग एरर कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्लोजिंग एरर किस से हम ठीक कर सकते हैं, तो देखो पहला ऑप्शन हमारा लेहमान्स रूल, तो लेहमान्स रूल यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो मेथड है ये हमारा किस में काम आता है, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के लिए हमारा ये, यानी कि प्लेन टेबल सर्वे जब हम करते हैं तो थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के लिए हम लेहमान्स रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लाइड रूल ये हमारा नहीं काम आता है इसके अंदर। अगर हम बात करें बोडिच रूल की, तो बोडिच रूल हमारा इसके अंदर हमें यूजफुल है, किसके लिए, इस क्लोजिंग एरर को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा आंसर होगा, बोडिच रूल इसमें हमारा सही आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सिम्पसन रूल हमारा इसमें नहीं होगा सही, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, बोडिच रूल, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे देखें जरा, बोडिच रूल इज अप्लाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ, यानी बोडिच रूल हमारा किसके एडजस्टमेंट के लिए हम यूज करते हैं,
तो बोडिच रूल इज अप्लाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ, अगर हम बोडिच रूल की बात करेंगे तो हमारा कौन सा ठीक होगा देखें जरा। इसमें अभी मैंने बताया कि क्लोज ट्रेवर्स में जो हमारी क्लोजिंग एरर हमें देखने को मिलती है उसको एडजस्ट करने के लिए हमारा यूज होता है कौन सा, बोडिच रूल, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लोकल अट्रैक्शन में बोडिच रूल का कोई लेना देना नहीं है, ओपन ट्रेवर्स में इसका कोई हमारा रूल इसमें हमें रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है सभी को ये पॉइंट, यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है, जरा बताइए एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ सभी के पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक के। जी हाँ, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आपको अगर आपका सर्वे का रिवीजन हो रहा है और आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम समझ में भी आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एंगल ऑफ डिप एट द नॉर्थ लैटिट्यूड, हमसे बोला गया है कि हमारा डिप एंगल कितना होता है नॉर्थ लैटिट्यूड पर। तो नॉर्थ हमारा क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करेंगे यानी हमें पोल की बात कर रहा है, किस पर, पोल पर। तो हमारा डिप एंगल पोल पर कितना होता है, पोल पर हमारा होता है 90 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर हमें डिप की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है, ये हमारी 0 डिग्री देखने को मिलती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिप एंगल हमारा 90 डिग्री होगा कहाँ पर, नॉर्थ लैटिट्यूड पर यानी नॉर्थ पोल पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ निडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपास, इसका आंसर जरा बताइए, इसका आंसर करें, इसका आंसर करिए जरा। इसका आंसर करिए क्या होगा, बी, चलो बंटी बी आंसर, ठीक है। चलिए देखें जरा, देखें ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें टाइप ऑफ निडल यूज इन प्रिज्मेटिक कंपास यानी हमारे कंपास में कौन सी निडल यूज होती है, तो आपने देखा होगा जो हमारी ग्रेजुएटेड रिंग होती है हमारी कुछ इस तरीके से होती है, और उस ग्रेजुएटेड रिंग में इस तरीके से हमारी एक मैग्नेटिक निडल लगी हुई रहती है, मैग्नेटिक निडल हमारी लगी हुई रहती है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखें, जिस पर मैं ग्रीन साइन कर रहा हूँ, ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक निडल है। तो ये कैसी होती है, हमारी ब्रॉड निडल होती है यानी चौड़ी पट्टी की तरह होती है। अगर हम बात करें तो प्रिज्मेटिक कंपास की, अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी निडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, ब्रॉड निडल। लेकिन अगर हम बात करें सर्वेयर कंपास की, तो देखें जो एज बार टाइप जो है ये हमारी कहाँ होती है, सर्वेयर कंपास में लगी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सर्वेयर कंपास, अगर मैं यहाँ पर सर्वेयर कंपास बोल दूँ तो अब हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें प्रिज्मेटिक कंपास की तब हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है यहां तक। क्योंकि सर्वेयर कंपास की अगर हम बात करें तो हमारी जो निडल होती है वो कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलती है। ये हमारी निडल है सर्वेयर कंपास की, ये उसका नॉर्थ एंड, ये हमारा इसका साउथ एंड। तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी एज बार टाइप की होती है, और किस कंपास में यूज होती है, सर्वेयर कंपास में यूज होती है। लेकिन अभी फिलहाल में हमसे पूछा गया है प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में, तो हमारा आंसर होगा ब्रॉड निडल टाइप यानी चौड़ी सूचिका हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे आगे, आगे हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ें जरा ध्यान से। इन कंपास सर्वे, कंपास सर्वे में द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास, इसमें बोला गया है कि जो हमारे डायरेक्शन और जो लेंथ ऑफ सर्वे लाइन है वो हम कंपास द्वारा मेजर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपास द्वारा सिर्फ हम डायरेक्शन मेजर करते हैं, लेंथ मेजर नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा हो, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखें, द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाई कंपास, जो हमारी जो डायरेक्शन है मेजर्ड वो कंपास से हम करते हैं, यानी हम कंपास से क्या करते हैं, डायरेक्शन को मेजर करते हैं, सही है। आगे है ऑप्शन नंबर सी, द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाई चेन और टैप, यानी हम क्या करेंगे, जो सर्वे लाइनों की लंबाई होगी तो हम उसे चेन या टैप से मेजर करेंगे। तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी इज राइट, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी डी हमारा ऑप्शन कैसा है, यहाँ पर करेक्ट देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखें जरा, क्वेश्चन है
ट्रू मेरिडियन यानी जो हमारा सत्य यामोतर है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रू मेरिडियन के बारे में, आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो हमारा ट्रू मेरिडियन है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहता है। दूसरा है कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, यानी कि पोल पर हमारे क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर ये अभिसारित होते हुए हमारे ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर अभिसारित होता है। आगे नीचे है कन्वर्ज नियर इक्वेटर के, नियर हमारे जो इक्वेटर पर अभिसारित होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे जो ट्रू मेरिडियन है वो पोल्स पर कैसा होता है, हमें कन्वर्ज यानी अभिसारित होता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कन्वर्ज नियर इक्वेटर यहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखें जरा इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखें और इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं जरा, सभी सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताएं इसका। आप इस क्वेश्चन में एक काम करिए कि जो हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है उस क्वाड्रेंटल बियरिंग को WCV में चेंज कर लो, WCV में चेंज कर लो, तो आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करो आप सबसे पहले किस में, आप चेंज करो WCV में। तो WCV में चेंज करेंगे तो देखें नॉर्थ से, सबसे पहले मैं WCV में चेंज करके बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ से अगर हम बात करें कि नॉर्थ से कितना है हमारा, ये नॉर्थ और ये हमारा डब्लू, वेस्ट और ये हमारा कितना 40, तो इसकी WCB कितनी हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक 320 डिग्री। तो सबसे पहले हम तो यही समझ लेंगे कि हमारे इसकी WCB कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 320। ठीक, क्लियर है, यानी हमें इंटरनल एंगल फाइंड करना है, 320 डिग्री हमारी इसकी WCB हो गई। और अब हम बात करें इसकी WCB फाइंड करेंगे किसकी, हम WCB हम फाइंड करेंगे किसकी, देखें अब हम बात कर रहे हैं WCB हमारी BC लाइन की, तो BC लाइन हमारा क्या है, साउथ ईस्ट और यहाँ पर क्या है ये नॉर्थ, और यहाँ से हमारा कितना है 70 डिग्री का एंगल है, तो इसकी हमारी WBC कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, तो इसकी हमारी हो गई 110 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आसानी से, अब जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। 30 डिग्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के, अभी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सही से सॉल्व करो। देखें जरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो AB है वो हमारी 320 डिग्री है, जबकि जो हमारी BC है उसका हमारा 110 डिग्री है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, यानी कि देखें AB लाइन की अगर हम बात करें तो देखें AB लाइन का हमारा कितना है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पर और यहाँ से हमने 320 डिग्री पर, ध्यान देना जरा, यहाँ पर हमने एक सर्वे लाइन ली और सर्वे लाइन ये हमारा कोई पॉइंट है A, और हमने क्या किया इस A पॉइंट से कितना AB लाइन हमने कितनी 320 डिग्री पर, यानी इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, A पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट और ये हमारी हो गई 320 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, अब यहाँ पर आ गए हम इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आ गए, तो अब आप एक काम करो, आप अभी से AB लाइन जो है ये हमारी AB लाइन बन गई है, इसकी बैक बेयरिंग फाइंड करो कितनी होगी, तो 180 अंश माइनस करो इसमें, तो 320 डिग्री में से अगर आप 180 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, कितना आएगा ज़्यादा बताइए, 140 डिग्री, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 140 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा 140 डिग्री का एंगल हो गया है नहीं। अब हम बात करें किस लाइन की, BC लाइन की, अगर BC लाइन की अगर हम बात करें तो हमारा कितना है 110, B पॉइंट हमारा ये है, तो 110 डिग्री हमारा कहाँ पर आएगा, देखें ये 140 है तो 20 हमारा इस तरह से आएगा 110, यानी ये हमारा कितना हो गया 110 हो गया। अब आप मुझे इतना बता दीजिए एंगल कितना बचा, 140 टोटल था, 110 ये बचा, तो कितना हो गया 30 डिग्री आंसर। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन ए सही था तो वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी का सही आया, 70, 90, नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी कैसे होगा बताओ, इंजीनियरिंग ट्रैकिंग 70 नहीं होगा, ऑप्शन 70 नहीं होगा। देखें जरा कैसे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को एक बार और देखें जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी जो AB लाइन की फॉर बियरिंग है वो कितनी है, 320 डिग्री, इसको मैंने बदला, तो आप खुद सोच के देखें जरा, ध्यान से देखें जरा इधर, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 320 डिग्री का एंगल बनाया, देखें जरा ध्यान से, ये हमने क्या किया, 320 डिग्री कहाँ पर होगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने इधर खींच लिया। ठीक है, ध्यान से देखें, तो ये कितना हुआ हमारा
320 डिग्री, क्लियर है? ये ए बी लाइन की फॉर बियरिंग है, ये कोई पॉइंट है ए, और ये हमारा पॉइंट है बी, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, क्लियर है? अब देखो बी सी लाइन की फॉर बियरिंग कितनी हमारी S70E, इसका मतलब डब्ल्यू सी बी में इसको 110 डिग्री कह सकते हैं हम, ठीक है नहीं? ठीक है, अब उस अब हम बी सी लाइन की फॉर बियरिंग से पहले अब आप क्या करो, इसकी बैक बियरिंग फाइंड करो। तो आप बैक बियरिंग फाइंड करो, तो यहाँ पर 320 में से 180 अंश माइनस करो, कितना हुआ 320 में से आप माइनस करें 180, तो कितना बचा बैक बियरिंग इसकी, इसकी बैक बियरिंग भी बचेगी हमारी 140 डिग्री, क्लियर है? यानी ये एंगल हमारा जो है ये 140 डिग्री का हो गया, सही है? यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, 140 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखें जरा ध्यान से, अगर ये 140 डिग्री का एंगल है, अब आप यहाँ से BC का एंगल कितना है 110 डिग्री, तो BC का 110 डिग्री का एंगल है, तो वो यहाँ से बनाइए, तो 110 डिग्री का एंगल हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारी BC लाइन हो गई, तो BC लाइन का हमारा ये चलो 90 डिग्री आपको दिल लग रहा होगा, तो मैं इसको और थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, ये हमारा कितना हो गया 110 डिग्री हो गया, ये हमारा एंगल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फॉर बियरिंग 110 डिग्री है। तो अब मुझे बताइए आप कि 140 डिग्री ये टोटल है, और उसमें से 110 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बीच का कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा ना यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा होगा ए सही। अब क्लियर है, अब बताओ सभी लोग अब क्लियर है या नहीं, अब बताएं सभी लोग अब क्लियर है 30। इंजीनियर ट्रैकिंग बताइए सही है, इंजीनियरिंग ट्रैकिंग नाम से जो कमेंट आ रहा है उनको समझ में आया, इंजीनियरिंग ट्रैकिंग अभी मैंने दोबारा करके दिखाया अब भी समझ में नहीं आया आपको, चलिए अब आप वीडियो को दोबारा एक बार देखिएगा तब आप समझना, ठीक है? इंजीनियरिंग ट्रैकिंग एक बार दोबारा से वीडियो देखना, फिर उसके बाद आप फिर दोबारा समझना, ठीक है? और उसके बाद मुझे मैसेज करना, ठीक है? इसी क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आगे देखें जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा क्या है इसमें गया है कि ट्रू मेरिडियन इज दैट मेरिडियन थ्रू गिवन पॉइंट जॉइनिंग, यानी कि हमारा ट्रू मेरिडियन क्या होता है, यानी कौन कौन से पॉइंट को जॉइन करता है, बताइए जरा ऑप्शन देख के ट्रू मेरिडियन क्या होता है। मैंने जब आपको थियोरेटिकल क्लासेस मैंने अब लेक्चर जो अपलोड किए हुए थे मैंने बताया था कि पृथ्वी को काटने वाला ये हमारा कोई अर्थ का डायग्राम मान लीजिए, पृथ्वी की अर्थ के हमारे जो हमारा उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल है और साउथ पोल को यानी पृथ्वी के एग्जैक्ट नॉर्थ एग्जैक्ट साउथ से जाने वाला हमारा जो मेरिडियन होता है वो हमारा यानी ऐसा काल्पनिक समतल, ध्यान देंगे जरा, ऐसा काल्पनिक समतल यानी ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो हमारे पृथ्वी के नॉर्थ साउथ से जाता हुआ प्रतीत होता है वो हमारी जो डायरेक्शन दिखाता है उसे हम ट्रू मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे अर्थ एक्स, ऑप्शन नंबर देखें ईस्ट वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ एक्सिस, यानी कि हमारे जो पृथ्वी है उसकी एक्सिस यानी पृथ्वी की एक्सिस के नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया यहाँ पर क्लियर, ठीक है? नीचे और देख लेते हैं साउथ नॉर्थ और नॉर्थ और ईस्ट पोल नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल ही हो सकता है, नीचे साउथ और वेस्ट पोल कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है? ट्रू मेरिडियन ऑल्सो नोन एज पोल, ठीक है यहाँ तक, इंजीनियर ट्रैकिंग। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे बात करेंगे, अगला देखें जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, द फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इन द कंपास सर्वे आर डिफरिंग बाई 180 डिग्री, यानी कि बोला गया कि हमारी जो फॉर बियरिंग है और जो बैक बियरिंग है उनका अंतर है 180 अंश, देन वी मे कॉन्क्लूड, यानी तब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी जब हम कुछ कंपास सर्वे कर रहे हैं तो किसी भी एक लाइन की हमारी फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में 180 डिग्री का अंतर आ जाता है, ध्यान देंगे जरा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? यानी हमसे क्या बोला गया इसमें, सपोज कीजिए हमारा कोई स्टेशन है ये ए और ये स्टेशन कोई हमारा है बी स्टेशन, ठीक है? तो हमसे क्या किया गया इनकी जो फॉर बियरिंग है और बैक बियरिंग है उसमें करेक्ट डिफरेंस कितने का है 180 डिग्री का है, तब आप इससे क्या समझेंगे,
तब इससे हम ये समझेंगे कि हमारे स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों पर क्या है, लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी ए और बी पर दोनों पर ही क्या होगा, ये दोनों ही लोकल अट्रैक्शन से मुक्त होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं जरा, ऑप्शन ए क्या कहता है कि स्टेशन ए मे बी अफेक्टेड, नो अफेक्ट तो होगा ही नहीं जब अंतर है, तो अब बी अफेक्टेड है नहीं, स्टेशन ए और बी बोथ आर नॉट अफेक्टेड लोकल अट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी कैसा है हमारा इसमें, सही है। तो स्टेशन ए एंड बी बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, क्लियर यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ये सभी को, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। इसमें बोला गया था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, तो इसमें देखें जरा ऑप्शन देखकर बताएं क्या सही है इसमें। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने डिग्री पर है, बताएं जरा ध्यान से, देखें ऑप्शन में, देखें सभी लोग। वीडियो को आप लगातार कंटिन्यू देखिए, बी ऑप्शन बी इज राइट। जगह का नाम बताएंगे कोई, जगह का नाम बताइए, ये जो मेरिडियन है ये कहाँ से पास होता है, किस जगह, भारत में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किस जगह से पास होता है, जगह का नाम बताइए। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है 82.5। जगह का नाम बताइए जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किस जगह से पास होता है, नैनी इलाहाबाद, गुड, वेरी गुड, सही है। तो देखें जरा हमारा इसमें जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इलाहाबाद, इलाहाबाद हमारा कहाँ पर, इलाहाबाद में एक जगह नैनी, नैनी से यहाँ से पास होता है, तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा इलाहाबाद नैनी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इन्हें क्लोज ट्रेवर्स, यानी जो क्लोज ट्रेवर्स में क्या चीज़ सही है, हमें ऑप्शन पढ़ रहे हैं फिर बताना है कि सही है या वो गलत है। तो देखें जरा ऑप्शन ए देखें, डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग एंड बैड बियरिंग शुड बी 90 डिग्री, तो कह रहा है कि जो क्लोज ट्रेवर्स में हमारी जो डिफरेंस होता है फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का वो 90 डिग्री होता है, गलत, कितना होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सम ऑफ इंक्लूड एंगल, यानी कि जब हम क्लोज ट्रेवर्स की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने कोई क्लोज ट्रेवर्स बनाया है, तो ये हमारा स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है, तो क्लोज ट्रेवर्स में हमने क्या किया, हमने जो इंक्लूड एंगल है उसका जो हमारा सम होगा, वो इंक्लूड एंगल का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2n-4 × 90, यानी बोला गया इंक्लूड एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2n-4 मल्टीप्लाई बाई जो राइट एंगल लिखा है इसका मतलब है 90 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये हमारा कैसा है, सही है। यानी कि जब भी हम ट्रेवर्स की बात करें और उसके इंक्लूड एंगल को अगर हमें फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला लगाएं। अब आप यहाँ पर जरा लगा के देखिए, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एंगल हमारा कितना होता है, सम 180 डिग्री होता है, तो जरा यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड लगा यहाँ पर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 6, और 6-4 कितना हो गया यहाँ पर हमारा 2, और 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 90 का, तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री यहां पर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा है, सही है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी है सम ऑफ इंक्लूड एंगल शुड बी 2n-1, तो देखें ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है 2n-1, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का भी होता है तो हमारा कितना होता है 2n, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का 2n+40 × 90, ये किसके लिए है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। इंटीरियर एंगल के केस में यहां पर क्या हो जाता है हमारा, प्लस की जगह हम माइनस कर देते हैं, तो इसमें ओवरऑल इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, इसमें बताइए कि विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्रेजुएशन इन सर्वियर कंपास, यानी सर्वियर कंपास का करेक्ट डायग्राम देखें, जरा बताएं करेक्ट डायग्राम कौन सा है, आप ही लोग बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा है, देख के बताएं जरा, डी करेक्ट आंसर बी होगा इसका, ठीक है। चलिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह ईस्ट होता है, ठीक है। और ऐसा इसमें कहां पर हमें देखने को मिल रहा है, देखो इसमें तो सारी ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट बिल्कुल वैसे ही है, और नॉर्थ पर 90 डिग्री नहीं होता, नॉर्थ पर हमारा 0 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा है हमारा, सही है, ठीक है।
आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे द वर्टिकल एंगल। ध्यान से देखें जरा, सभी लोग देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देखते हैं उन सभी को वीडियो लाइक, अगर आपको अच्छा सेशन लगता है इसे ज़रूर लाइक करें एक बार, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने फ्रेंड सर्किल में बताएं, संख्या हमारी लाइव क्लास पर बढ़ती जानी चाहिए, तभी इंटरेस्ट हमें भी आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। आगे देखें जरा, इस क्वेश्चन को देखें द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, यानी जो हमारी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है वो फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से वो हमारा वर्टिकल एंगल कुछ बना रही है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस तरीके से कोई एंगल बना रही है, तो उस एंगल को क्या कहते हो आप, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप के नाम से इसे हम जानते हैं। तो आंसर कौन सा होगा इसमें हमारा, सी सही होगा। तो वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल इज नोन एज डिप। अब आगे बात करते हैं डिक्लिनेशन के बारे में। तो डिक्लिनेशन क्या होता है हमारा, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज डिक्लिनेशन, ठीक है। बियरिंग क्या होती है, किसी भी रेफरेंस मेरिडियन से, किसी भी नॉर्थ साउथ मेरिडियन से, किसी भी एक सर्वे लाइन का एंगल बियरिंग कहलाता है, ठीक है। एजिमुथ के बारे में जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तभी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हमारा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में बताएं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रिमेन सेम एट डिफरेंट प्लेस, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान सभी जगह पर समान रहता है, नहीं, वो हमारा प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा है, सही है कि वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, कह रहा है कि टेम्परेचर से वेरी नहीं करता, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन टेम्परेचर से ही वेरी करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ड्यूरनल वेरिएशन के बारे में कि दोपहर में हमारा यानी एट नून हमारा ड्यूरनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा आंसर सही होगा, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, बोथ द एंड स्टेशन आर इफ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन, बोला गया है हमारे दोनों स्टेशन हैं वो लोकल अट्रैक्शन से मुक्त होंगे, कब होंगे, जब फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए हमारा, ये बहुत ही आसान सवाल था, 180 डिग्री हमारा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें, अगला क्वेश्चन है द डिप ऑफ कंपास निडल, यानी जो हमारी कंपास निडल की डिप होती है वो कैसे कैसे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कांस्टेंट रहती है, नहीं, डिप हमारी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पर हमारा डिप कितना होता है, इक्वेटर पर अगर हम डिप की बात करें तो 0 डिग्री, पोल पर हमारा इक्वेटर कितना होता है, पोल पर हमारा डिप कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसी तरह से जब हमारी, तो हम ये कहेंगे कि हमारी प्लेस टू प्लेस क्या हो रही है, चेंज होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज 0 एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल, तो यही बात है, इक्वेटर पर 0, पोल पर मैक्सिमम, लेकिन वेरी प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस पर क्या करती है, वेरी करती है। तो ऑप्शन नंबर टू हमारा कौन सा है, सही है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और ऑप्शन के बारे में, बोला है कि इज 0, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 0 एट इक्वेटर, इक्वेटर पर 0 होती है, नहीं, इज 0 एट इक्वेटर एंड पोल, कह रहा है पोल और इक्वेटर दोनों पर 0 होता है, नहीं, इक्वेटर पर डिप 0 लेकिन पोल पर हमारा डिप का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है, ठीक है, करेक्ट कौन सा नहीं है वो हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें ध्यान से देखें जरा, ऑप्शन मैं धीरे धीरे करके इसमें आपको शो करता हूँ, ऑप्शन पढ़ें, पहला ऑप्शन पढ़ें जरा, बताएं सही है गलत है, ऑप्शन ए और बी पढ़ें, सही है गलत है बताओ। बोला गया है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक ट्रफ कंपास इन एन नेसेसरी टू प्लान टेबल, क्या ट्रफ कंपास हमारा नेसेसरी है प्लान टेबल में, तो ट्रफ कंपास द्वारा हम क्या करते हैं, मेरिडियन फाइंड करते हैं, यानी कि हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगाते हैं जब हम प्लान टेबल सर्वे करते हैं, तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सर्वेयर कंपास हैज टू साइड वेंस, तो एक ऑब्जेक्ट वेन होती है, एक आई वेन होती है, ये भी हमारा कैसा है, करेक्ट है, दो साइड वेंस होती हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, हमें तो गलत निकालना है इसमें से, तो सी और डी में देखते हैं कौन सा सही नहीं है। आगे बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर देखें सी को पढ़ें, इन प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशंस ऑफ
एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट, कह रहा है कि जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें जो हमारे ग्रेजुएशन होता है एल्यूमिनियम डिस्क पर वो हमारा रोटेट होता है, एंड द इंडेक्स रिमेंस स्टेशनरी, और कह रहा है इंडेक्स जो है वो हमारा रिमेंस स्टेशनरी रहता है। तो इस ऑप्शन के बारे में हमें इंडेक्स क्या है उसके बारे में हम अभी सोचते हैं, पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, ए प्रिज्मेटिक कंपास हैज एन ऑब्जेक्ट बेन एंड आई बेन। तो ये हमारा कैसा है, सही है कि प्रिज्मेटिक कंपास में भी हमारा ऑब्जेक्ट बेन होती है और आई बेन में हमारा क्या लगा रहता है, प्रिज्म लगा रहता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब गलत कौन सा है, सी सही नहीं है। तो ओवर अब देखें जरा ध्यान से, क्योंकि बाकी तीन तो हमारे कैसे सही है। तो इसमें बोला गया कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन ऑन एल्यूमिनियम डिस्क रोटेड, यानी कि जो हमारा एल्यूमिनियम वाली जो ग्रेजुएशन होते हैं डिस्क पर वो हमारी रोटेट करती है, बिल्कुल रोटेट करती है। बाकी ये रहा है कि इंडेक्स रिमेन्स स्टेटनरी, यहाँ पर जहां तक मैं ये सोच पा रहा हूँ कि जो इसमें इंडेक्स है वो हमारी मैग्नेटिक निडल को बोला गया है। तो इसमें बोल रहा है कि इंडेक्स हमारा स्टेटनरी यानी कि रोटेट नहीं करता है, तो वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक निडल है और हमारा जो ग्रेजुएटेड सर्किल है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हमारी ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम डिस्क अगर हमारी रोटेट होगी तो हमारा इंडेक्स यानी कि हमारी जो सूचकांक है यानी कि हमारी जो निडल है वो भी हमारी रोटेट होगी, तो वो स्टेशनरी नहीं है, स्थिर नहीं रहेगी। तो इसमें हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी गलत है। फिर भी इंडेक्स के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा जब ये वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। क्लियर यहां तक, सही है ये, यहां तक बात समझ में आई, ऑप्शन सी यस। इंजीनियर ट्रैकिंग ये हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास में 0 to 360 degree रोटेट होते हैं, रोटेशन जो हमारा ग्रेजुएशन होता है वो हमारा 0 to 360 degree हमारा रोटेशन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन ओपन ट्रेवर्स द सम ऑफ द मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल। अब आपको बताना है एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू, यानी एक्सटीरियर एंगल, तो अभी मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है हमारा, 2n कौन सा होगा, 2n प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 90। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम दिखाता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल निडल टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड। इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स द पोल, कह रहा है कि जो हमारी कंपास निडल है उसका, देख सपोज कीजिए ये हमारा कोई पोल है और ये भी हमारा कोई पोल है, आप सपोज कर लो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। तो ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में हमारी ये मैग्नेट इस तरह से है, तो ये कह रहा है कि मैग्नेट निडल हमारी यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है और यहाँ पर हमारी इस तरीके से है। तो ये टिल्ट होती चली जाएगी, तो ये जो एंगल बना रही है हमारी किससे, हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, इसे आप क्या कहेंगे, तो ये आप जो एंगल बना रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंक्लिनेशन द कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स द पोल, यानी पोल की तरफ जो इंक्लिनेशन होता जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिप। क्लियर है, सही है यहां तक, ऑप्शन ए इज राइट। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्यूरनल वेरिएशन, यानी कि जो हमारा दैनिक विचरण होता है, देखें जो हमारे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है उसमें हमारा क्या क्या देखने को मिलता है, हमें सेकुलर वेरिएशन देखने को मिलता है, एनुअली वेरिएशन देखने को मिलता है हमारा, और हमारा इसमें ड्यूरनल वेरिएशन भी देखने को मिलता है। तो इसमें हमें बताना है कि ड्यूरनल वेरिएशन के संबंध में कौन सा ज़्यादा ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूरनल वेरिएशन के रिगार्डिंग जब भी हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो वहीं पर हमें, चाहे हमारा दिन हो चाहे हमारा सीजन हो, जब भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर यानी गर्मी देखने को मिलती है तभी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब आप देखें क्वेश्चन, ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन कह रहा है इट इज ग्रेटर इन समर देन विंटर, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा होता है, सही है, ठीक है। यानी ड्यूरनल वेरिएशन गर्मियों के सीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ विंटर। दूसरा बोल रहा है कि इट इज़ ग्रेटर देन लैटिट्यूड एंड देन ए हायर लैटिट्यूड, कह रहा है इट इज़ ग्रेटर एट स्मॉलर लैटिट्यूड एंड देन ए हायर लैटिट्यूड, ऐसा इसमें हमें नहीं देखने को मिलता है कि हमारा स्मॉलर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ हमें ज़्यादा देखने को मिले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी कि इट इज़ ग्रेटर एट मैग्नेटिक इक्वेटर पॉइंट, कह रहा है कि मैग्नेटिक इक्वेटर की जो पॉइंट होते हैं वहाँ देखने को मिलता है। तो
तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें हमें इट इज़ ग्रेटर इन विंटर देन समर, ये भी नहीं है। तो हमने ओवरऑल हमारा जो पहला ऑप्शन था इट इज़ ग्रेटर इन समर देन विंटर, यानी हमारा जो समर में यानी गर्मियों में हमें ज़्यादा ड्यूरनल वेरिएशन देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ विंटर। अगर हम एक दिन की भी बात करते हैं तो सुबह दोपहर और शाम कंपैरिजन में नून के टाइम एंड दोपहर के समय हमें ड्यूरनल वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट कि इन ट्रैवर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स, यानी कि जो ट्रैवर्स हम सर्वे जो हम ट्रैवर्स सर्वे करते हैं तो जो हमारी क्लोजिंग एरर बनती है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा कोई अगर हम ट्रैवर्स का निर्माण कर रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम आ पाए और ये हमारा ट्रैवर्स पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाया तो ये जो एरर है ये ग्रीन कलर की एरर हमारी क्लोजिंग एरर कहलाती है। तो कह रहा है क्लोजिंग एरर के माने आप क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि कोई भी एक हमारी ऐसी डिस्टेंस है ये जिससे हमारा ट्रैवर्स बंद नहीं हो पाता, यानी ओपन की तरह प्रवृत्ति का ओपन की तरह उसका अपना बिहेव करता है, ये अपने स्टार्टिंग एंड से बंद नहीं होना, स्टार्टिंग एंड से इसका लास्ट एंड नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से इस जितनी डिस्टेंस ये हमें बचती है उसको हम क्लोजिंग एरर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखें क्लोजिंग एरर का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द एरर इन क्लोजिंग ऑफ ट्रैवर्स ऑपरेशन, कह रहा है कि द एरर इन क्लोजिंग ऑफ ट्रैवर्स ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन में हमारी एरर इन क्लोज यानी क्लोजिंग में जो एरर होती है उसे क्लोजिंग एरर कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया इस स्टेटमेंट की बात, ठीक है, यानी हमें कुछ क्लियर स्टेटमेंट सा नहीं लग रहा ये, आगे देखते हैं। द अभी इसके ऊपर दोबारा सोच लेंगे ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन बी कहता है द एक्चुअल डिस्टेंस बाई विच द ट्रैवर्स फेल्स टू क्लोज, ये कह रहा है कि ऐसी एक्चुअल डिस्टेंस होती है जिससे ट्रैवर्स जो है क्लोज नहीं हो पाता है, वो फेल हो जाता है क्लोज होने में। तो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट हमारा कैसा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी के बारे में, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इन ओपन ट्रैवर्स, तो देखिए ओपन ट्रैवर्स में तो क्लोजिंग एरर का मैटर ही नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमें ऑप्शन ए और बी में से एक हमें कौन सा ज़्यादा बढ़िया स्टेटमेंट लग रहा है, स्टेटमेंट नंबर टू यानी कि बी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ रहा है ऑप्शन बी, यस ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखें। तो ये थी हमारी आज की पीडीएफ जिसमें हमने 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आगे आने वाली क्लासेस में इसकी संख्या बढ़ाएंगे। एक आपसे ये कहना है कि देखें जो वीडियोस को मैंने एक चीज़ ये नोट की है, एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अब मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। देखें वीडियो को जब मैंने अभी मैंने स्टार्ट कर क्लोज्ड मींस स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट सेम, क्लोज्ड मींस के मतलब क्लोज का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से हमने सर्वे स्टार्ट किया है, सपोज कि इस पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया है तो इसी पॉइंट पे आगे हमारा सर्वे फिनिश होना चाहिए। अभी फिनिश ना हो पाए कुछ यहीं पर रुक जाए, जब हम प्लॉटिंग करते हैं फिर जब हम लैब में प्लॉटिंग करते हैं तब उस केस में हम देखते हैं कि हमारी जो एरर बच जाती है इस एरर को हम क्लोजिंग एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें, अभी जब मैंने ध्यान से सुनेगा जरा, मैं अभी जब वीडियो को मैंने लाइव भी नहीं किया था तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग में ही बिना वीडियो को लाइव हुए एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, बस केवल वहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा था तभी मैंने देखा कि किसी एक कैंडिडेट ने एक डिसलाइक किया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस तरीके से डिसलाइक आप करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको दिक्कत है या किसी ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं कि किस क्या आपको ऐसी किस मतलब मेरे कहने का मतलब ये आप डिसलाइक भी कर रहे हैं तो रीज़न के साथ करें कि हमने क्या कि हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें आगे किसी भी चीज़ को, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी इसमें, कौन से ऑप्शन में या कौन से हमारे टीचिंग स्टाइल में क्या दिक्कत आई जिससे आपको परेशानी हुई और एक डिसलाइक मारा। तो ये डिसलाइक जो है ना ये हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हमें डिमोटिवेट करता है, तो इसलिए इस तरह की हरकत है। तुम में से कोई भी हो जो भी है वो डिसलाइक अगर आप कर रहे हैं तो रीज़न भी दें साथ में कि हमने इस तरीके से डिसलाइक किया, ठीक है। तो ये गलत है, डिसलाइक नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, सही है नहीं सही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे सभी? हाँ स्टार्टिंग में मैंने देखा था, आप भी देखें स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि अब भी शायद एक डिसलाइक शो कर रहा होगा, देखें आप जरा एक बार। नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता कि डिसलाइक आप कर रहे हैं, डिसलाइक से बहुत ज़्यादा
हमें डिमोटिवेट होते हैं और लाइक करने वालों की कहीं ना कहीं कमी रहती है। देखा है मैंने, ये चीज़ फील भी की है कि अगर 1000 व्यूज़ वीडियो पर आते हैं तो उसमें लाइक्स 100 ही होते हैं, तो जबकि वो वीडियोस में, और कभी कभार तो हमें कमेंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, लाइक्स उतने नहीं मिलते। तो ये चीज़ है। कल का हमारा चैन सर्वे, कल का टॉपिक इंजीनियरिंग ट्रैकिंग होगा। तो इसलिए सभी स्टूडेंटों से यही कहना है कि जो भी आप, अगर आपको कोई चीज़ इसमें गलत लग रही है या फिर आपको टीचिंग स्टाइल सही नहीं लग रहा, आप और क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। डिसलाइक करके आप चले जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या। आप बताइए, वीडियो में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया और उससे पहले ही डिसलाइक, तो इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना। कल हम पढ़ेंगे चैन सर्वे, आप लोग एक बार चैन सर्वे का रिवीजन कर लेना, ठीक है। चैनल पर वीडियोस काफ़ी बनी हुई हैं, चैन सर्वे का एक बार रिवीजन कर लेना। कल हम चैन सर्वे की पीडीएफ लेके आएंगे, उसमें आपको चैन सर्वे के क्वेश्चंस कराएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अभी ना देखो, ट्यूशंस क्वालिटी इंक्रीज इसलिए नहीं हो पाई ना, हमारे पास कैमरे वगैरह नहीं है, सब फ़ोन से ही काम चल रहा है दोस्तों, अभी फ़ोन से ही काम चल रहा है, इसलिए अभी ये सब क्वालिटी वगैरह इंक्रीज़ नहीं हो पा रही। जिस दिन कैमरा खरीद लेंगे उस दिन सब चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी भी, हर चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। टाइम डेली चार बजे ही है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माई वीडियोज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।